यार सुन, तेरी याद आ रही है बहुत, तेरे पति को भगा दे घर से, पागल है क्या? उसे जाना है सौरभ के साथ ट्रिप पे, फिर मिलेंगे। हरिदय को दूध पिलाने से मना कर दिया कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी। उसने मुझे बताया कि वो जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ट्रिप पे गए हुए हैं लास्ट 6 दिन। और भाई एक चीज समझना, दिमाग से सुनना सारी बात। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, ना ही सकती जिंदाबाद। अभी तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि अगर ये दोनों लोग फिर से साथ में रहना भी नहीं चाहे, रहना भी चाहे ना, तो बेचारे रह नहीं पाएंगे। हे गाइस, इट्स मी धीरू मोंचिक, स्वागत है तुम्हारा आज मेरी कोर्ट में, भरी अदालत में। आज हम एक फैसला करेंगे, ना फैसला कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आज हम ई लफड़े पे नजर डालेंगे जो चल रहा बहुत तगड़ा हस्बैंड और वाइफ के बीच में। देखो, अगर तुम इस कॉन्ट्रोवर्सी से वाकिफ नहीं हो तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अगला वीडियो देखने आ जाना, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा मिर्च मसाला देखने में मजा आता है, दूसरों के घर में झांकने में मजा आता है, तो देख लो वीडियो, मजा आ जाएगा तुम्हें भी। गाइस, हम बात करने वाले हैं पारस छकराल व्लॉग्स के बारे में। जी गाइस, ये वही महाशय हैं जिनका सुहाग रात का व्लॉग आया था कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे, जो ट्रेंडिंग भी हुआ था, होने वाली चीज भी है, होना भी चाहिए था। ओके गाइस, बस तो 2 साल पहले इनका हनीमून व्लॉग आया था, और आज 2 साल बाद इनके डिवोर्स के व्लॉग आ रहे हैं गाइस। ना मैं इस चीज को लेकर खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिचुएशन में मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने यूट्यूब को एक कोर्ट बना के रख दिया ना, वो चीज देख देख के मुझे हंसी आ रही है। मैंने कहा बात करी, तेरी बंदी आई थी, मैं थोड़ी गया था भाई। तो वो लड़की उस ऑडियो में क्या बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बोले वो बता दूं। सब छोड़ के न्यू ईयर पर आपको मिलूं, न्यू ईयर बन जाएगा मेरा। अरे भाई सोच ही प्यार। तो गाइस देख लो ऊपर से पहले नंबर पे। सो इनके आपसी फड्डे चल रहे हैं कुछ, जो आगे देखेंगे अभी हम। उसमें हो क्या रहा है, एक दिन हस्बैंड की तरफ से रिप्लाई वीडियो आ जाएगा, फिर वाइफ का वीडियो आ जाएगा, फिर हस्बैंड का वीडियो आ जाएगा, फिर वाइफ का वीडियो आ जाएगा। लेकिन 2 दिन से पिछले कोई वीडियो नहीं आया, मेरे दिन रात जो अच्छे से नहीं कट रहा है, मेरी जिंदगी में जो एंटरटेनमेंट था वो चला गया है। सेकंड मैरिज प्रैंक ऑन नेहा, दूसरी शादी कर ली। बताओ गाइस, प्रैंक करते करते सही में दूसरी शादी की नौबत आने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्शकाल व्लॉग्स। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि स्नेहा पे प्रैंक करो प्रैंक करो, तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया, स्नेहा पे करेंगे तगड़ा सा प्रैंक। और गाइस आपको ये तगड़ा सा प्रैंक, तुम्हें सालों चैन नहीं पड़ता ना, दूसरे का घर सही सलामत चल रहा होता तो दे दिया ना तुमने अगले आदमी को नया आइडिया शादी करने का, पड़ गया ना घर में कलेश। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये शादी का और व्लॉगर्स का रिश्ता कैसा है। अबे शादी है जिंदगी में एक बार करी जाती है, कोई तुम्हारा यूट्यूब का मंथली रेवेन्यू नहीं है जो हर महीने नई बहू लाके बैठा दो प्रैंक के नाम पे। गाइस सॉरी, खैर कुछ के घर में तो 2 भी हैं। ओले गिर रहे बाहर, मोटे मोटे ओले गिर रहे भाई, गाड़ी पे लग रहे होंगे भाई, पीपीएफ तो नहीं फट जाएगी? हेलो महाराज भाई, पीपीएफ तो ही फटी हुई, तो मुझे कुछ और नजर आ रही है। देखो गाइस, अभी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हस्बैंड की वीडियोस देखूं या वाइफ की, तो मैं हेड टेल कर लेता हूँ। हेड आया तो हस्बैंड की देख लेंगे, टेल आया तो वाइफ की देखेंगे, ठीक है? देखो तुम्हारे सामने है सब कुछ, हेड आया भाई हस्बैंड की देखेंगे। ओके यस, मसाला शुरू करते हैं। कोल्ड डिगर गर्ल एक्सपोज्ड, नमस्ते भाई। 33 मिनट की वीडियो है, मैं तो सोच रहा बहन चो मैं भी एपिसोड निकाल देता हूँ, इधर एक वीडियो क्यों बनाओ, 3-4 बना देता हूँ मैं भी। तो गाइस वीडियो देख ली है। yeah, सेम पिंच पारस भाई, सेम पिंच, बस सेम पिंच, कपड़ों में ही सेम पिंच, हरकतें सेम पिंच वाली नहीं है किसी की भी, दोनों में से। मैंने सुना तुमने लड़की घर पे जाके छेद दी, 4 रेपटे मार दिए उसके बिचारी के, थप्पड़ मारा था इन्होंने मुझे, और ये चीज इन्होंने अपनी वीडियो में भी एग्री करी की हाँ जी थप्पड़ मारा, 4 थप्पड़ उसकी रिकॉर्डिंग में सुना। अब भैया डिवोर्स लेना ले ले। अच्छा सॉरी, हरियाणा से है ना, मैं भूल गया था भाई, भला हरियाणा से नहीं है, दिल्ली से है। और भाई एक चीज समझना, दिमाग से सुनना सारी बात, कैसे गेम प्लान करा गया, कैसे चक्रव्यूह बनाया गया, कैसे सारी रिकॉर्डिंग्स है, कैसे सब कुछ है, एक एक चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हाँ, चक्रव्यूह गेम प्लान किया गया, लेकिन किसने, तुमने या तुम्हारी वाइफ ने, ये तो बता भाई ना। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराने आया, देखो दोस्तों यहाँ मैं तो दोनों साइड के मजे लेना है ना गाइस, मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं जज थोड़ी हूँ। लड़कियों को खतरा है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कहाँ बोला उस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब कर दी पारस ने, कहाँ बोला? वो तो भाई दोस्त थी मेरी, दोस्त। क्या चल रहा है गाइस, अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे, सॉरी हेडटेल वाला हमने बेकारी करा, हमें सीधे श्रेया मैम की तरफ आ जाना चाहिए। बाय द वे इन्होंने नया चैनल खोला है, तुम देख सकते हो, इनका ये कहना है कि इनके पति देव ने चैनल उड़ा दिया, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया, 4 साल की मेहनत मेरी उड़ा दी यूं ही, कोई बात नहीं मैं नहीं टूटूंगी। लेकिन पति देव कह रहे हैं कि इन्होंने रीच के लिए चैनल उड़ा दिया, कि उस पर रीच नहीं आ रही, तो नया चैनल खोल कर नया बिजनेस शुरू, पैसा ही पैसा होगा। आपके हस्बैंड बीच में, मैंने कहा बात करी, तेरी बंदी आई थी, मैं थोड़ी गया था भाई। तो वो लड़की उस ऑडियो में क्या बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बोले वो बता दूं।
स्क्रीनशॉट बना के बताओ बनाओ मेरे को। हाँ तो भाई लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों को बताया था डोमेस्टिक वाइफ। भाई भाई मुझसे भी अच्छी एडिट कर ले रही है लड़की, तो जो चटपटे एकदम मसालेदार पार्ट थे शुरू में दिख गया मैं। हमारे बीच में बहस हुई थी और 5 तारीख को इन्होंने जब मुझे मारा था, 5 तारीख को जब इन्होंने मुझे मारा उस टाइम पे ऑन द स्पॉट ये इन्होंने क्या किया, बैकपैक किया और ये निकल गए ट्रिप पे। और उस टाइम पे जो है वो दी बहुत अच्छा किया। गाइस दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाथ साफ करके निकल जाना। उसने बोला आपका पति लास्ट 6 दिन से घर पे नहीं है। मैंने कहा इसको कैसे बता। फिर मैंने कहा कि हां जी, तो उन्होंने बोला कि ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो चले गए हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉक हुई कि भाई उसको कैसे पता सारी चीजें। तो उसने मुझे बताया कि वो जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ट्रिप पे गए हुए हैं लास्ट 6 दिन से देहरादून। तो भाई उसके बाद जो है ना ओ माय गॉड ट्रिपे लग रही है दोस्तों। घर पे पहले बीवी की पिटाई लग रही है, फिर देहरादून जाके गेड़िया लग रही है। जोक्स असाइड गाइस, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो भाई वो लड़की गलत है और इनका हस्बैंड वो भी गलत है। गाइस ऐसी स्त्रियों के लिए बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द इन्वेंट किया है जो मैं अभी बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन इट स्टार्ट विद आर वीडियो एंड चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। क्या वीडियो भेज दी बे? ओके भाई कार में घूम रहा लोंडा किसके संग, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। लक ते गुची तो बेल्ट हम पाया, फिर मूड बना तो सीधे बीबी के बजाया। माय लॉर्ड इस वीडियो में मिस्टर पारस का ये काउंटर था कि ये मेरी दोस्त थी, हम तो कार में घूम रहे थे, तुम क्या उल्टी सीधी बातें बना रहे हो, क्या सोच रहे हो? जो कि हाँ भाई हो सकता है देखो, लेकिन ऐसी कैसी दोस्त होगी जिसके बारे तुम्हारी बीवी भी नहीं जानती। वेद पुराणों में ऐसे इंसान को रंगबाज इंसान कहा गया है। शायद मतलब मैं इसकी शादी करने वाला था अगले कुछ महीनों में, ठीक है, तो अचानक से आ जाते हैं आपके हस्बैंड बीच में। ठीक है मैम, आपको पता है आपसे शायद लड़ाई हो रखी थी, आपके हस्बैंड 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कहाँ थे? नहीं मेरी से लड़ाई हो रखी थी तो वो बाहर थे कहीं। एडिटिंग एरर, ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। झूठी स्क्रिप्ट हो कुछ भी हो, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ झूठी हो, लेकिन ये एडिटिंग एरर नहीं देख पाऊंगा मैं। और ये तो कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप के वॉइस नोट का इंडिकेशन क्यों चल रहा है? थोड़ा सा अगर दिल पे पत्थर रख दीजिए तो मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है ठीक है, मेरा भी मेरे को भी ऐसे धक्का लगा जब मुझे पता चला कि ये पारस के साथ पारस को डेट कर रही है। भाई पैसा और फेम जो है ना बड़ी बुरी चीज है, बताओ शादीशुदा आदमी के पीछे भी लड़की बावली हुई फिर रही है, बावली एक अच्छे खासे भले इंसान का चूतिया काट दिया उन्हें जिंदा। तू ये सब छोड़, तूने भाई मेरे घर पे क्यों बात करी, मेरे को सिर्फ इतना बता दे। तूने भाई मेरे घर पे क्यों बात करी? मैंने कहां बात करी? तेरी बंदी आई थी मैं थोड़ी गया था भाई, तेरी बंदी आई थी मैं थोड़ी गया था। पारस भाई सबसे पहले तो उसकी बंदी कहना बंद करो, अगर उसकी बंदी होती तो तुम्हारे पास आती नहीं बिना बताए। और मेरे लल्ला मेरे नन्हे मुन्ने रो मत, वो आज नहीं तो कल तेरा चूतिया काट ही देती। उसके बॉयफ्रेंड से कह रहा मैं, एक्स बॉयफ्रेंड से, सॉरी गाइस, शब्दों में हेर फेर हो जा रही मेरी आज। और क्या, कैसे क्या, तूने क्या बोला मेरी बीवी को? सब प्रूफ भेज दिए, अगली बंदी हम यहाँ खड़ी होकर डिवोर्स मांग रही है घर से। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वो जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं अगर देखो सही में ऐसा कुछ है भाई तो फॉर श्योर तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। जोक्स असाइड यार, मगर इन लोगों ने जो है ना अपनी चीजें बहुत ज्यादा बेकार कर दी, अभी तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि अगर ये दोनों लोग फिर से साथ में रहना भी नहीं चाहे, रहना भी चाहे ना तो बेचारे रह नहीं पाएंगे। बच्चा होते ही, जब बच्चा होने वाला था तब भी इसको टीबी था, लेकिन इसने एक बार भी टीबी की दवाइयां नहीं ली। इसको बहुत बार मैंने बोला तू अपनी टीबी की दवाइयां खा, इसने नहीं खाई। उसके बाद हृदय हुआ, हमने हृदय के सारे टीबी टेस्ट कराए, सब चीजें कराई, ये सारी रिपोर्ट्स मैं हॉस्पिटल से ला दूंगा, सर्वोदय हॉस्पिटल। अरे यार मैं क्या करूंगा तुम्हारी बीबी की टीबी की रिपोर्ट का, अब मुझे नहीं देखनी भाई कोई से भी हॉस्पिटल में हुई हो। यहाँ मुझे मेरे पिताजी की शुगर की रिपोर्ट की टेंशन है, मैं वो टेंशन लूं या फिर तुम्हारी बीबी की टीबी की रिपोर्ट की टेंशन लूं? भाई फैमिली ब्लॉगर्स को भी बैठा के सिखाओ कि भाई हर चीज इंटरनेट पे पोस्ट नहीं करनी होती है, मतलब हर चीज के बारे में बात नहीं करनी होती इंटरनेट पे यार। जब ये बात तुमने अपने व्लॉग्स में पहले नहीं बताई, सीक्रेट रखी, तो उससे बिगड़ने के बाद उससे बात बिगड़ गई तुम्हारी। मैं क्यों बता रहा हूँ, उसे टीबी है, बवासीर है, कुछ भी है, सीक्रेट रखो यार। बेसिकली अभी जो लड़ाई चल रही है ना, शायद कुछ ऐसी चल रही है कि इनका जो एक बेबी है दोनों का, वो पारस भाई कह रहे हम रखेंगे, उनकी बीबी कह रही हम रखेंगे। देखो पूरी सिचुएशन में कंफ्यूज होने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। दोनों बैठ के खाली ना दे रहे हो मुझे हस्बैंड वाइफ, करो ये बेटी बड़े मजे ले रही है, इसे पकड़ के मारो। भाई मैं ना हुआ दूध पिलाना। 25वें दिन इस लड़की ने
हरिदय को दूध पिलाने से मना कर दिया कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी अगर मैं हरिदय को दूध पिलाऊंगी। इस बात लेकिन भाई क्या करें, जब माँ नहीं बना कर देगी दूध पिलाऊंगी ही नहीं तो क्या करें, पिलाना पड़ा हमें। पाउडर वाला डब्बे का दूध पी के बड़ा हुआ है, उससे तो भाई को बड़ा होकर पूछेगा माँ का दूध पिया होगा, नहीं भाई मैं तो डब्बे का दूध पी। अरे पारस भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारा भी बालक है वो, इतने थोड़ी रह गए हैं बालक जो ये लाइनें मारेंगे अब, दिल्ली के तो ऐसी हरामी होते हैं और बातों पर रोस्ट कर लेंगे उसे। भाई मुझे हंसी क्यों आ रही है यार। तो गाइस ये डेट देख लो, 25/2/2022 8:44 पे स्नेहा का। अच्छा अभी घर से ही आने लगा भाई। ओके अभी जो है गाइस हस्बैंड जो है बीबी का बता रहा है कि ये भी मुझ पे चीट कर रही थी। ये देखो गाइस, तो ये अकाउंट किसका है, स्नेहा सचदेवा जी का, ये देखो यहाँ पे ठीक है, और ये प्राइमरी से जनरल नॉलेज। यहाँ पर मस्त कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप सारे मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि इनकी क्या क्या बातें हुई आगे। ना मैं नहीं मानूंगा ये वाला स्क्रीनशॉट, सॉरी गाइस इसको कैंसिल कर देते हैं। यार सुन तेरी याद आ रही है बहुत, तेरे पति को भगा दे घर से, पागल है क्या, उसे जाना है सौरभ के साथ ट्रिप पे, फिर मिलेंगे। कब जाएगा वो, ये तो अभी फाइनल नहीं है। ओके गंदी गंदी बातें हैं दोस्त, गुंडी गुंडी। लेकिन माय लॉर्ड इस स्क्रीनशॉट को हम असली कैसे मान ले, वही जो फोन में जब ये बात कर रहे थे जो कैमरे से दूसरे से बना के दिखा रहे थे वो दिखाते तो मान भी लेते। माय लॉर्ड पारस ठकराल द्वारा पेश किए हुए सबूत हमें थोड़े बेबुनियाद लग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अदालत उन्हें दरखास्त कर दे। और अगर चलो ये गलत है, अगर फीमेल फ्रेंड का होना गलत है, तो आप भी तो रात को 12-2-3 तक जाते हो कैफेज में, हुक्का पीते हो अपने दोस्तों के साथ, स्नैप डालते हो जहाँ पे आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं। ये क्या चल रहा है आजकल, शादी रिलेशनशिप के नाम पे है, ये इधर लड़कियों के साथ घूम रहा अपना मस्त, उधर उसकी वाइफ को कह रहा है हुक्का पीते हुए घूम रही है रात को क्लबों में अपने मेल फ्रेंड के साथ। मेरी वाइफ के मेल फ्रेंडों में बहन चुचिंदे घाट तोड़ दूंगा उनकी। मतलब नॉर्मल वाले मेल फ्रेंड नहीं गाइस, जो बेस्ट वाले मेल वाले फ्रेंड होते हैं ना, जो हरामी होते हैं एक नंबर के, उन्हें कह रहा हूँ उनकी तोड़ दूंगा। लो मेरी फ्यूचर वाइफ कह दो तुम मुझे पिछड़ी सोच का, कोई दिक्कत नहीं गाइस। दीदी बालक संभाल, घर पे बैठ के कहाँ हुक्का पीती फिर रही है क्लबों में। उसके बाद विमेन 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 हर जगह पे एक ही इसने रट्टा लगाया हुआ है कि मेरी लड़ाई विमेन के लिए, मेरी लड़ाई लड़कियों के लिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और उनकी दूसरी एजेंसी एक और है जिनके पास छोटे छोटे रोस्टर्स हैं, उनके पास जो रोस्ट करते हैं या किसी को बदनाम करना हो वो काम करते हैं। दूसरी एजेंसी का अप्रोच कर रही है ये, उस उन्हीं की। नो 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 गाइस, मैं किसी एजेंसी के साथ नहीं जुड़ा हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। मजे मजे में वीडियोस देख ली इनकी। ओ बाय द वे सॉरी गाइस, मैं तो भूल ही गया ना, छोटे रोस्टर्स की बात चल रही थी। अपन छोटे थोड़ी ना, ऐसा नहीं है, बट तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो गाइस, मैं नहीं चाहता मुझे कोई छोटा रोस्टर कह के चला जाए। सब्सक्राइब टू धीरू मोंचिक। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है पारस भाई दिमाग से खेल रहा हूँ, सोच रहे हूँ देखो अभी टॉपिक वायरल हो रहा है, सुहाग रात पे भी रोस्टर्स ने नहीं छोड़ा था, अभी तो भाई डिवोर्स तक बात आ गई है, तो मैं पहले ही अपनी वीडियो में चलाकी से कह देता हूँ ये रोस्टर्स को अप्रोच कर रही है जाके। अब मैं भी ऐसा हो भी सकता, देखो क्या पता उसने सही में एजेंसी अप्रोच की हो अपने पति को डिफेम करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ना ही सकती। मैं तो सोच रही हूँ सब छोड़ के न्यू ईयर पर आपको मिल लूं, न्यू ईयर बन जाएगा मेरा। अरे भाई सो चीप यार। तो गाइस देख लो ऊपर से पहले नंबर भेजती है, फिर उसके बगैर आप बताओ अपना नंबर मैं सेव करूं, प्राइवेसी लगा रखी है ना मैंने कोई। सो चीप पारस भाई, अभी सो चीप कह रहे हो तब ब्लॉक क्यों ना मारा, क्यों रिप्लाई दे रहे थे। भाइयों ये हस्बैंड वाइफ है, इनके पास एक दूसरे का पासवर्ड उसवर्ड ना रहता, एक दूसरे का फोन यूज नहीं करते गए। देखो यार जब बंदा फेमस हो जाता है तो जलने वाले तो चार हो ही जाते हैं, अब हो सकता है कि वो लड़की सही में इनको डिफेम करने के लिए बोल रही हो, या फिर हो सकता है कि इनके बीच कुछ गलत हुआ हो। ताल से ताल मिला। हाँ जी देखो भैया खींचने को तो इस वीडियो को जो है मैं आगे अभी एक घंटे तक और खींच दूं, लेकिन कुछ खास है नहीं वीडियो में, इधर से वाइफ सबूत लाती है कभी, इधर से हस्बैंड सबूत ले आता है, और 1-2 मिलियन व्यूज का रिवेन्यू बढ़िया करके ले जाता है। अरे इतना ही कुछ सीरियस है तो कोर्ट में जाओ, ये हर दिन मेरी यूट्यूब फीड में क्यों आ जा रहे हो। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना गाइस तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हारी निगाहों में दोनों में से कौन सही है, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा और खूब एंजॉय करूंगा, जिसके मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसके लव भी करूंगा, दिल बना के दूंगा एकदम बढ़िया वाला। चलो भाई ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कुछ भी।